पैर धोने लगे, पैर पकड़ के घसीटने लगे, पैर पकड़ के घसीटने लगे, हाँ पानी के अंदर। तो हे भाई, हे कोई कोई नाव हिला रहा भाई। बताओ भैया, बैठो बस, ये है बहुत अकाला, अब थोड़ा सतर्क रहना। हाँ भैया भैया, ऊपर उतार ले, चले जल्दी जल्दी उतार ले, चले। सभी भाइयों को हमारा एक बार नमस्कार, राम राम और सत श्री अकाल। बहुत रिक्वेस्ट पे मैं यहाँ पर आया हूँ। कुछ लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि भाई इस जगह को एक्सप्लोर करो। हमारे बीच अभी कुछ दो लोग मौजूद है और मुझे थोड़ी घबराहट है, पता नहीं क्यों, और अजीब अजीब लग रहा। हमारे पीछे एक नदी दिख रही होगी आपको। कहते हैं कि यहाँ पर कुछ मलेच्छ नाम की चीज़ों को देखा गया है और लोगों ने उसे पर्याप्त देखा है, एकदम खुले में देखा है। और कहते हैं कि जो भी रात के वक्त इस नदी के अंदर जाता है कोई भी नाव लेके, तो उसे पकड़ के लोगों ने, मतलब वो जो मलेच्छ है वो खींच लेते हैं। लोगों को इतना डरा रखा है यहाँ के कि वो लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए। हमारे साथ अभी कुछ लोग मौजूद हैं, ये गाँव के ही लोग हैं, तो आइए पहले इनसे बात करते हैं। चाचा बताइए, आपने तो बताया जानकारी भैया, वो हम देखा था। हाँ नाव पर मानते थे। हाँ ऐसी होती कि थी, मतलब समझे नहीं, फिर से आप बोलिए सर। जैसे नाव पर उतरे, खा ले, नाव पर बांध दिया, हाँ पैर धोने लगे, हाँ पैर पकड़ के घसीटने लगे, पैर पकड़ के घसीटने लगे, हाँ पानी के अंदर। अरे बाप, तो ऐसा अच्छा हमको दिखा सकते हैं क्या आप? हाँ आपको दिखा सकते हैं। वो कैसे दिखाएंगे, अभी तो नदी में, ऐसे पानी में कैसे दिखाएंगे? मतलब हमारे बंदी है ना, नाव बंदी है, नाव हमारी बंदी है, नाव है, अकेले नहीं जाएंगे, अकेले नहीं जाएंगे, अकेले नहीं जाएंगे, साथ में निकलो। ओके, नहीं तो हमारे साथ कैमरा मैन है हमारे, चल सकते हैं आप। हाँ तुम्हारे साथ चलिए, हम अकेले नहीं जाएंगे, देखो इसे छिपा चले। ये छोटा छोटा सब चप्पल बच्चे सब छोड़ के आ गए भैया, ले सब पैर छोटू। डर तो नहीं लगेगा तुमको? लगेगा, डर लगेगा, वो छोटा भाई है, छोटा भाई, हम पैंट चप्पल खोल छोड़े दोस्तों। अभी मौजूद थे, इधर से इधर एक बार आना, इधर हमारे साथ मौजूद हैं, ये गांव के ही व्यक्ति हैं जिन्होंने यहाँ की एक कहानी मुझे बताई कि ये नाव पे किसी टाइम पे रात के समय शायद मछली पकड़ रहे थे या फिर कुछ खेत को पार करने के लिए नाव से जा रहे थे, कुछ भी था। आप नाव पार कर रहे थे, मछली पकड़ रहे थे? नहीं, खेत उस पार जा रहे थे, खेत के उस पार जा रहे थे। हाँ जैसे जंगली सुअर जो आता है गांव में, इनकी खेती है, तो उन उस चीज को हांकने के लिए गए थे। लेकिन कहते हैं कि जब उस दौरान ये जा रहे थे नाव पे, तो इनको ऐसा कुछ महसूस हुआ इस पानी के अंदर, जिसको ये बता नहीं सक रहे, बयान नहीं कर पा रहे अपनी भाषा में। तो आज चलिए सबसे पहले तो खुद चल के देखते हैं ये चीज वाकई में होती है कि नहीं होती, कुछ अलग चीज है, कुछ यूनिक है। मैंने भी इसके बारे में कई बार सुना था, लेकिन आज आपको अपनी आंखों से देखने को मिलेगा। ये भी तो एक नाव इससे जाएंगे क्या? चलेंगे, थोड़ा इनके साथ साथ रहना। हम लोग चल रहे हैं, आप डरिए नहीं, आराम से। गाइस ये लोग कह रहे हैं कि हम अकेले नहीं जाएंगे। छोटू डर तो नहीं लगेगा ना? बिल्कुल भी डर तो लगेगा, थोड़ा सा मुझे सोचने में लग रहा है कि इनको लेके जाऊं या ना लेके जाऊं, लेकिन फिर भी हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोग रहेंगे तो उतना मतलब डर फील नहीं होगा। अब भाई साहब नाव खोल रहे हैं, दिखाओ फटाफट। जंजीर हाथ में पकड़े, चलिए फिर कैसे बैठा जाए इस पे? हम पर आप आराम से बैठिए, आप उस तरफ जाओगे? नहीं आप पीछे बैठिए, हम आगे आओ उस तरफ पीछे। थोड़ा सा डर भी लग रहा है, हालांकि मैं बैठ जाता हूँ। आ जाओ जाओ, कैमरा लेके आओ। आप पीछे पीछे हो, पीछे हो जाओ, थोड़ा बैलेंस बनाओ। भाई डर तो अभी से लग रहा भाई, लेकिन कुछ भी करो, करना तो ही पूरा एडवेंचर। आप एक काम करो, आप चलाओ ना, आप चला रहे थे ना, वो भाई चला लेते, चला लेते इससे ज्यादा। आप थोड़ा सतर्क रहना।
गाइस इस वक्त सच में बहुत ज्यादा डर लग रहा है। और ओए भाई आवाज आई कोई चीज की, आवाज आपने सुनी है? कहाँ पे ये क्या हो रहा? कोई है भाई? आवाज आ रही है ना? अरे भाई आवाज आई ना? हाँ आवाज आई जी। वो देखो फिर आ गई भाई साहब। मछली तो नहीं है? नहीं मछली नहीं है भाई, ये अजीब सी कूदने की आवाज है यार इस जगह पे। भाई साहब थोड़ा सावधान रहना। तो पीछे लुट भैया ना, ओ फिर जा के आ गया है। आवाज आई है ए भाई, ए कोई कोई नाव हिला रहा भाई। हाँ बताओ भैया, बैठो बस, ये है वो था काला। कोई नाव हिला रहा ना, कोई नाव हिला रहा भाई। आराम से आराम से आराम से आराम से चालू सब दे, सावधान रहना। भैया इधर से घुमा के काम करो, वापस ले चलो, वापस चलो, वापस चलो, जल्दी 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 भाई 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 यहाँ से पहले निकलो जल्दी। अरे भाई भैया भैया जल्दी 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 भैया भैया वो उस पार ले चलो यार, जल्दी जल्दी उस पार ले चलो। वो तो नाम 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 वहाँ पे कोई है, वो देखो नाम पे। अरे बाप रे, ये भैया का दरना चलेगा ना? भैया जल्दी करो, एक मिनट जल्दी करो जल्दी। तो फिर आ गया कोई है ना? कोई ना, कोई बता आवाज आई है क्लियर। भाई साहब सच बता रहे, ये भयानक झील है यार। निकले इसी वजह से कोई नहीं आता। उतरो भाई उतरो, जल्दी जल्दी आराम से आराम से बाहर आओ, जल्दी 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 नाव से बाहर आओ, पहले जल्दी बाहर बाहर आओ। तो तुमको डर लगा यार बिल्कुल। भाई साहब कसम से बता रहे हैं इस झील में कुछ तो है यार, लगाना। आओ ऊपर आओ, पहले ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। ये चीज क्लियर है, यहाँ पर कुछ तो था। पानी में एक अजीब से उबाल आ रहा था और अजीब अजीब चीज थी, और ये बार बार कह रहे थे कि वहां पर कुछ दिख रहा, वहां पर कुछ दिख रहा, लेकिन मुझे ऐसी कोई चीज नजर नहीं आई। एक बार एक झलक हमको हल्का सा लगा उस नाव के पास, कोई ऐसे हाथ दे रहा है इस तरह से, लेकिन वो चीज कैमरे में कैप्चर हुई या नहीं हुई वो चीज देखने वाली बात है। बाकी दोस्तों वाकई पानी है, ठंड का टाइम है, इस वजह से मैंने कहा यार यहाँ पे वैसे ही डर लग रहा था, मैंने कहा वापस लौट चलते हैं, ज्यादा कोई रिस्क लेने वाला काम नहीं, क्योंकि एक छोटा भाई था वो काफी डरा हुआ था, फिर भी नाव चला रहा था लगातार, और उसको हम लोग कैसे कैसे करके बोल के लेके गए वो हम ही लोग जानते हैं। बाकी दोस्तों उम्मीद करते हैं अगर आपको इसका पार्ट टू चाहिए एकदम प्रॉपर तरीके से, और ये कहेंगे कि वहाँ पर रुक के कुछ देर इन्वेस्टिगेशन करें, तो ज़रूर कमेंट करना। बाकी आज के लिए इतना ही था, गुड नाइट, शुभ रात्रि।